तीन को बुलाकर कटरीना ने की फ्रेश स्टार्ट। जैसे कि आप सब जानते हैं, बॉलीवुड के हैंडसम हंक रणबीर कपूर अक्सर अपने रिलेशनशिप के चलते पूरे मीडिया पर छाए रहते हैं। आजकल रणबीर आलिया की जोड़ी बॉलीवुड की फेवरेट जोड़ियों में से एक है। इन दिनों एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार है ये दोनों। ये बात तो आप सबको पता ही होगी, दोनों के परिवार वालों को भी नहीं है इनके रिश्ते से कोई भी प्रॉब्लम। लेकिन रणबीर की पास रिलेशनशिप को देखकर कुछ कह नहीं सकते कि आलिया ही होंगी रणबीर की लास्ट डेस्टिनेशन। सबको पता है कि आलिया से पहले भी रणबीर कितनी बॉलीवुड हसीनाओं को डेट कर चुके हैं। आलिया की बेस्ट फ्रेंड के भी सावरिया जब भी मेट रह चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कटरीना कैफ की। कटरीना कैफ के साथ तो रणबीर का अफेयर काफी लंबे वक्त तक चला और शायद थोड़ा सीरियस भी रहा। बता दें, हाल ही में रणबीर कपूर और कटरीना कैफ एक साथ नजर आए हैं। बादशाह के शूट में दोनों ने लड़के झूठे भी दिखाए हैं। बता दें कि ब्रेकअप के 3 साल बाद रणबीर कपूर और कटरीना कैफ एक साथ दिखे हैं। शूट की तस्वीरें रणबीर कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, जिसे लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। साथ ही उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। लगता है फैंस को रणबीर के साथ आलिया नहीं बल्कि कटरीना की जोड़ी जमने लगी है। देखिए ना, तभी तो रणबीर के इंस्टा पेज पर लाइक्स की लंबी लाइन लग पड़ी है। आपको बता दें, रणबीर से ब्रेकअप के बाद कटरीना बुरी तरह से टूट गई थी। कटरीना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ब्रेकअप की खबर जानते ही उनकी मां ने कैसे रिएक्ट किया था और उनकी मां की क्या सलाह उन्हें मिली थी। कटरीना ने बताया, उनकी मां कहती है, कई लड़कियां और महिलाएं इस पड़ाव से गुजर चुकी हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस पर अकेली हो तो तुम गलत हो। तुम अकेली नहीं हो, कई लोग तुम्हारे साथ हैं। ऐसे में कटरीना की माँ की ये सलाह उनको आगे बढ़ाने में मदद करती है। वैसे आपको कौन सी जोड़ी ज्यादा अच्छी लगती है, रायना या रालिया? कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें।